दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों वीडियो SBI CSP के लिए है और आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, उस प्रॉब्लम क्यों आते हैं और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो आप वीडियो पर बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जो एक प्रॉब्लम है हमारे सभी CSP द्वारा को देखने के लिए मिलता है। माइनर अकाउंट पर यह प्रॉब्लम आता है और इन दिनों जो है बहुत सारे CSP इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जब भी हम सभी माइनर अकाउंट खोलते हैं, माइनर अकाउंट खोलते समय जो फॉर्म 60 की जगह होता है, जो विदाउट पैन कार्ड का माइनर अकाउंट खोला जाता है, वहाँ पे फॉर्म 60 डिटेल्स डालना पड़ता है। ATM डिटेल्स का जो जगह होता है वहाँ पे जाके फॉर्म 60 सिलेक्ट करके सबसे नीचे गार्जियन पेरेंट का डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। पेरेंट्स का जब डॉक्यूमेंट डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो सामने कुछ इस तरीके से आता है, काइंडली एंटर वैलिड आधार VRN या तो काइंडली एंटर वैलिड आधार नंबर आता है जो कि सबमिट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है। जो गार्जियन का डॉक्यूमेंट आपने दिया हुआ है नीचे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड मत दीजिए, वहाँ पे आप गार्जियन का वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिए, इलेक्शन आईडी कार्ड, चाहे आप मम्मी का दे रहे हैं या पापा का दे रहे हैं, जिनका भी आप दे रहे हैं, आप वहाँ पे आधार कार्ड एंटर कर रहे हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप कस्टमर से वोटर आईडी कार्ड मांगिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए और डॉक्यूमेंट के साथ वोटर आईडी कार्ड जेरोक्स करके दे दीजिए, तो आपका ये जो है फुल्ली सबमिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, योर CSP आईडी एक्सपायर्स इन 5 डेज, प्लीज़ कॉन्टेक्ट BC एडमिन। तो ये जो है वार्निंग एक हफ्ते पहले से आता है, सबसे पहले आएगा 7 डेज, 6 डेज, 5 डेज, 3 डेज, ऐसा आपको रिमाइंड देता है, वार्निंग देता है कि आपका CSP आईडी एक्सपायर हो रहा है। तो ये कब आता है, जब आपका वैलिड अप टू डेट खत्म होने को आते हैं, एक हफ्ते पहले से आपको वार्निंग दिया जाता है। यहाँ पे अगर आपका मेन क्यो है, मेन क्यो का जो एक्सपायरी डेट है वो आपको BC की तरफ से अपडेट करवाना पड़ेगा, और यदि आपका सब क्यो का डेट है, आपका खुद का जो आईडी है उस आईडी से क्यो का जो मेन आईडी है, मेन क्यो का आईडी से उसका वैलिड सब क्यू का वैलिड बढ़ाना पड़ता है। आप इंक्रीज़ कर पाओगे 1 साल के लिए, 2 महीने, 3 महीने, जितना दिन आपको करना है तो आप इंक्रीज़ कर दीजिए, देन आपके सामने ये नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसीड, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। जब आईडी आप लॉगिन करने जाते हो, आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम दिखाता है। ये जो प्रॉब्लम है एक कभी कभार आता है सर्वर की वजह से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कट कर देना है। कट करके आपको दोबारा आपको आईडी पासवर्ड डालना है और आपको री लॉगिन करना है, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कस्टमर इज नॉट मैचिंग विद पन डिटेल्स एट NSDL, कस्टमर विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड विद अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो बड़ी बात है, बहुत सारे CSP को लगता है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड तो सही है, कस्टमर का डॉक्यूमेंट आपने खुद ओरिजिनल आपके हाथ से देखा है, चेक किया है, जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ हूबहू है, A to Z मिलता है, फिर भी ये प्रॉब्लम दिखाता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपका जो कस्टमर है, इस कस्टमर का आधार कार्ड का और पैन कार्ड का नाम डिटेल्स कुछ मिच है, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, यानी कि जो पैन कार्ड का डिटेल्स है वो NSDL में कुछ है और आपने यहाँ पर सबमिट किया कुछ और है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये वाकई में कुछ और है, कुछ गलत है, मशीन कभी आपको जो है गलत नहीं बताएगा, ये गलत है बोल के इसलिए बता रहा है। तो यहाँ पे आपका भी कोई गलती नहीं है, कस्टमर का भी कोई गलती नहीं है, कस्टमर का जो डिटेल्स है NSDL में पैन कार्ड के जो ऑफिस है, डेटाबेसेस है, IT डिपार्टमेंट में, वहाँ पर कुछ तो है, और जो प्रिंटिंग दिया है पैन कार्ड के ऊपर वो कुछ अलग है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो आपको कस्टमर को ये बताना है कि आप पैन कार्ड के जो ऑफिस है वहाँ पर जाइए, जाके एक बार चेक करवाइए, आपके डिटेल्स कुछ मिसमैच है, वो आप करेक्शन करवा के लाइए तो आपका नया अकाउंट खोल पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है, ये कभी भी आ जा सकता है आपके सामने, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एज डिटेल्स कैप्चरिंग इज़ इन प्रोसेस एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये जो है, जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो सुबह आके और अपना ब्राउज़र जो भी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो या गूगल क्रोम हो, उस ब्राउज़र पे जाके आप URL डाल के आईडी पासवर्ड डालते हो, आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर वेट करके दोबारा आपको ट्राई करना है। फिर भी अगर ऐसा आ रहा है तो मेरा जो सलाह है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी क्लियरेंस है आपके पास, आप चाहे तो डिस्क क्लीन अप कीजिए, CC क्लीन अप कीजिए, जितने भी टेम्पररी फाइल्स है वो सब डिलीट कीजिए, और अपने ब्राउजिंग के जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करके अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करके देन थोड़ी देर वेट करके आप जो है आप काम करने के लिए ट्राई कीजिए, लॉगिन करने के लिए ट्राई कीजिए, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। और ये ज़्यादातर कब आता है, यदि आप अपना आईडी को डायरेक्ट कट कर देते हो, जो पेज है ब्राउजिंग पेज उसको आप डायरेक्ट कट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है, या तो आपका कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ हो जाता है, या आपका लैपटॉप जो है वो डायरेक्ट ऑफ हो जाता है, तभी ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूँ और हमेशा आपको यही बोलना चाहता हूँ, जब भी आप अपना आईडी को बंद करते हो तो आप सिंपली साइन आउट बटन पर क्लिक करके ओके क्लिक करके साइन आउट कीजिए, अच्छे से साइन आउट करके फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट जो है यह यहाँ पे लिखा है रेफरेंस की नॉट फाउंड, ये जो है एपीएस ट्रांजेक्शन करने गए थे तो उनके खाते पे जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये इंस्टेंट अकाउंट नहीं है, नॉर्मल अकाउंट था। नॉर्मल अकाउंट पर किसी ने जो है आधार से एपीएस करने की ट्राई की है तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो नॉर्मल अकाउंट पर उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, पहले उनको बोलिए केवाईसी करवाने के लिए और ई केवाईसी सर्टिफिकेट लिंक करवा के एपीएस ट्रांजेक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है यहाँ पे अकाउंट खोलते समय लिखा हुआ आता है मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड इन बैंक डेटाबेसेस, प्लीज़ विजिट ब्रांच फॉर फर्दर प्रोसेस। यहाँ पे जो बैंक बता रहा है, जो लिखा हुआ है कि इस कस्टमर का जो डाटा है वो अपना बैंक के जो डेटाबेस है वहाँ पे मैच कर रहा है, मैचिंग फाउंड हुआ है, मतलब मिलजुल रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर को आपको पूछना है कि आपका पुराना खाता है कि नहीं। तो कस्टमर अगर पुराना खाता रहेगा तो उसी को केवाईसी करके कंटिन्यू करना पड़ेगा, या तो वो बोलेगा नहीं है पहले था उसको बंद कर दिया। तो अगर पहले बंद कर दिया है तो अभी नया आप खोल नहीं पाओगे, उसी पुराना CIF से होम ब्रांच पर, लिंक ब्रांच पर, यानी कि बड़े बैंक पे, बड़े ब्रांच पर आप दोबारा नया और एक अकाउंट, ऑफलाइन और एक अकाउंट खोल पाओगे। तो कस्टमर को यही सलाह देना है। कस्टमर यहाँ पे बोलेगा मेरा पहले का कोई जो है अकाउंट नहीं है, पहले का मैंने अकाउंट खुला ही नहीं है, नया है। तो इस समय आपको एक जो है और काम करना है, कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है उसको आपको बदल के दूसरा मोबाइल नंबर देना है। कस्टमर को बोलना है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया शायद ये मोबाइल नंबर अपना डेटाबेस में ज़्यादा एक्टिवेट है, आपके मम्मी पापा या किसी और का भी दिया होगा, इसलिए आप इस मोबाइल नंबर को चेंज करके दूसरा मोबाइल दीजिए, दूसरा मोबाइल से हम ट्राई करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे दूसरा मोबाइल देने पर यह हो जाता है, तो दूसरा मोबाइल से ट्राई करके देखिए, फिर भी अगर ऐसा आ रहा है तो ये 100% कस्टमर का रिकॉर्ड पहले से है, तो कस्टमर को मेन ब्रांच पर जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पे कस्टमर इज़ इन सम अदर प्रोसेस। यहाँ पे कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन पे गए थे तो वहाँ पे बता रहा है कि इसका जो अकाउंट खोलने का स्टेज है वो ये पार हो चुका है, किसी और स्टेज पे है। तो आपको डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रिंट करने की जगह है वहाँ पे जाके रेफरेंस नंबर जाके ट्राई करना है, यानी कि जो कंटिन्यू का जगह है वो पार हो चुका है, अभी आपको कंटिन्यू करने पर भी नहीं होगा, आपको जाना है नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट लेवल जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रिंट करने को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है द यूज़र ट्राइड टू लॉग ऑन आफ्टर वैलिड अपडेट। ये जो शुरुआत में हमने बताया था कि आपका वैलिड खत्म हो गया, इसको BCK द्वारा वैलिड अपडेट करना पड़ेगा, और यदि साफ क्यों है तो आपका मेन की को लॉगिन करके करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कभी भी आ सकता है आपके सामने, यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है कि जो लोकल होस्ट है उसका एरर बता रहा है, लोकल होस्ट का एरर कभी भी आ सकता है, आपका ब्राउजर अगर हैंग हो जाता है ये दिखाता है, इसी समय आपको क्या करना है अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, रीस्टार्ट करके आपको दोबारा ट्राई करना है, या नहीं तो फिर भी अगर हो नहीं रहा है तो आपको जो ब्राउजर है ब्राउजर के सेटिंग पर जाना है और उसमें फ्लेक्स पर जाना है, फ्लेक्स पर जाके लोकल होस्ट को एक बार ऑफ ऑन करके आपको दोबारा ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है देयर इज टाइम आउट इन फेचिंग द कस्टमर डिटेल्स मैप्ड अगेंस्ट द आधार नंबर। ये कभी भी आधार कार्ड का जो वेबसाइट है यानी कि EYD का जो सर्वर है उसमें जब भी दिक्कत होता है तो ये आपके सामने आता है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और कस्टमर को थोड़ा बिठा के नेक्स्ट आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद में आपको ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो के जरिए आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स और उसके जो सोल्यूशन के बारे में बताया गया, आई होप आपको जो है सब कुछ पता लग गया। तो आप वीडियो पर लाइक कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो दूसरे ग्रुप पर, दूसरे CSP के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को जो है प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे और आने वाले दिन अपने प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, इसी तरह हमेशा SBI CSP वीडियो इस चैनल पर बनते हैं, तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।